यहाँ पर जो रोड पे बहुत सारी मिट्टी आती है ना, उसको दबाने के लिए सही। अरे वो हमारा छोटा डाइनिंग टेबल है, हम तो खेल रहे हैं। ये थर्ड नंबर भाई, वो सबसे बड़ी मम्मी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 8 डिग्री टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बिल्कुल बिस्तर से निकलने का यानी हो ही नहीं रहा था। और अभी तक तो मैंने यानी स्वेटर शॉल दोनों ओढ़ ली है, पर लग रहा है आज तो कि टोपी भी पहननी पड़ेगी, तो टोपी भी पहन लेते हैं, फिर कान में ठंड लग जाती है इसलिए। ओह, किचन में बहुत ज़्यादा ठंडा है। दूध वूध बना देती हूँ, दूध रख दिया है, इतने में ब्रश वगैरह कर लेती हूँ, मेरे सुबह के जो भी काम है वो निपटा देती हूँ जल्दी जल्दी। अभी जस्ट मैं मेरे लिए कॉफ़ी बना के लाई हूँ, और किचन में तो खड़े ही नहीं रह सकते, इतनी ठंड लग रही है। और एक तो क्या, किचन में अपन होते हैं इसलिए 10 बार हाथ धोने का काम पड़ता है, तो हाथ धो तो हाथ तो फ्रीज हो जाते हैं एकदम। कंबल तो समेटने की नहीं हो रही, मैंने कहा कंबल खुली रखो, जब जाऊँगी तब समेटूँगी, क्योंकि हाथ पैर डालने के लिए सही रहेगा। कॉफ़ी पी जा रही है थोड़ा सी ठंड को कम करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट वगैरह मेरा तो हो गया है, और अभी हम जा रहे हैं शॉप पर, क्योंकि भाई जी थोड़े जल्दी आते हैं इसलिए। तो मैं एक बार चली जाती हूँ ताकि शॉप खोल दूँगी, कम से कम झाड़ू पोछा तो हो जाएगा। अभी हैप्पी भी आ नहीं रहे, सो काफ़ी लेट खुलती है दुकान, 10:30 तो हो ही जाती है, तो भाई जी इतनी देर तक वेट करते नहीं, अभी चले गए तो हम भी फटाफट से भाग के चले जाते हैं। चिकू रेडी हो गए, मैं रेडी हो नहीं पा क्यों, एक बार बिगड़ना है जाके आ जाते हैं। चिकू जब तक कंप्लीट रेडी होके आ रहे हैं तब तक तो मैंने गाड़ी मुड़ा दी है ताकि थोड़ा सा काम इजी हो जाए। मेरे को कब चलाने मिलेगी क्या पता, तो क्या मुड़ा दी मैंने गाड़ी। अब इसको आगे भी लेके जाने दो चिकू, ड्राइवर हो क्या, गाड़ी मुड़ा दूंगी तुम्हारे। हाँ यार, मेरा फ़ोन मैंने नहीं लिया है ना, आपने ले लिया, थैंक यू। सो लेट्स गो। सुबह चिकू नहा के आए हैं तो ना, यहाँ नहीं वारी हुई, मैं बांधने वारी हुई, भर दो। तो चिकू ने सुबह सुबह आके दुकान पे पूजा कर दी है, यानी धूप लगा दी है, और मैंने भी बाहर झाड़ू नहीं लगाना था, लगा दिया। और अब तो जैसे क्लीनिंग का काम हो जाएगा वैसे घर पे जाऊँगी, तब तक ज्योति यहाँ पर आ जाएगी, ज्योति बैठेगी, मैं घर पे खाना वगैरह सब निपटा के फिर आऊँगी। जो कल हमारा एक सैनिटाइज़र बॉटल हमने मंगवाया था वो तो हालांकि वैसे काम आने वाला नहीं है, पर यहाँ पर जो रोड पे बहुत सारी मिट्टी आती है ना, उसको दबाने के लिए सही रहेगा। तो अभी चिकू जा रहे हैं प्रैक्टिकल करते, अगर काम आता है तो रहने देंगे, नहीं तो वाह। चिकू लेके आ गए कैन, अभी उसको भरने के लिए पीछे गए, जैसे ही भर के लाते हैं वैसे बताती हूँ, भर के आ गए। अरे इतना जल्दी भर भी लिया, फास्ट काम है। मैंने किया पर मुझे थोड़ा सक्सेसफुल कम लगा, पर चिकू कर रहे तो प्रॉपरली अच्छे से हुआ, तो ये चीज़ काम की निकली। चलो थोड़ी तो ये इतना इतना भिगा दिया है चिकू ने, और यहाँ खड़े खड़े कर रहे हैं, तो इतना भिगने की वजह से क्या मिट्टी दब जाएगी, मिट्टी दब जाएगी, उससे क्या हमारी शॉप में जो मिट्टी आती है बारीक बारीक वो नहीं आ पाएगी, इसलिए हमने ये ट्राई किया। और बाल्टी से पानी डालते तो कीचड़ होता, पर इससे कोई कीचड़ नहीं होगा, इससे एकदम सिर्फ मिट्टी बैठेगी। सही लगाया नहीं दिमाग तो अपन ने। अब चलेंगे घर पे, क्योंकि ज्योति भी आ चुकी है सलून पर। मैं हो चुकी हूँ रेडी, और मैंने तो आज नेल्स मेरे कट कर दिए हैं, क्योंकि थोड़े टाइम में कोई लगता है बिगर नेल्स के रहना चाहिए, और थोड़ा टाइम लगता है कि नेल्स बढ़ानी चाहिए, तब बढ़ा लेती हूँ। और मैं हो चुकी हूँ रेडी, अभी रेडी हो गई हूँ, खाना आके बनाऊँगी, एक बार मंदिर जाके आ जाती हूँ। कचरे वाली गाड़ी भी आ गई, मेरा फोन। तो अभी शॉप पर जाते हैं, एक बार शायद कुछ नाश्ता चिकू ने मंगवाया आज, उनकी इच्छा हो गई थी तो नाश्ता करेंगे, फिर वहाँ से मंदिर। ये कचरा भी फेंकना है तो बाहर ले जाते, चलो आके फिर खाऊँगी मैं तो बाद में, अभी खाऊँ। अरे चिकू ने बहुत टेस्टी कचौरी खिलाई, और अभी हम जाएंगे मंदिर पर। चिकू ही गायब हो गए, कहाँ पैसा कहाँ गए,
कहाँ गए थे? अरे वो भाभी ने। हम आ गए मंदिर और आज तो कोई भी नहीं, आज शांति से दर्शन होंगे एकदम। अब सामने मंदिर में जाएंगे, शिव जी के मंदिर में। वहाँ पर तो एकांत ही रहता है इसलिए अच्छे से दर्शन हो जाते हैं, पर यहाँ पे रहती है भीड़। भीड़ तो क्या रहती है, एक से दो भी जने होते हैं तो भी थोड़ा अजीब लगता है, मजा नहीं आता, वो फील नहीं आता, इनको नहीं आता मेन तो। दर्शन हो गए, अब सीधे घर पे, और घर पे जाके जो भी प्लान है बताते हैं आगे। मंदिर जाके आ गए, फिर घर पे आके मैंने डिसाइड किया कि यार नाश्ता भी वो कचौड़ी खा ली थी तो पोहे ही बना देते हैं। कितने भी बोला पोहे ही बना दे क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ खाने की इच्छा नहीं है, तो पोहे बना दिए तो थोड़ा सा ही रहेगा, नहीं तो खाना भी खा लेंगे तो इतना हेवी हेवी हो जाएगा, इसलिए तो पोहे तो बन गए। चिकू को बुला देती हूँ, अब जल्दी से हम खा लेते हैं, फिर चलती हूँ शॉप पर। और अभी बज गई है 12, ये हमारी प्लेट मैंने लगा दी है और चिकू भी आ गए हैं खाना खाने के लिए, तो कर लेते हैं हमारा लंच जो कि बिल्कुल ब्रेकफास्ट जैसा है, पर हमने जो ब्रेकफास्ट है वो हेवी ले लिया, इसलिए लंच ब्रेकफास्ट जैसा ही करना पड़ रहा है। ये हमारा छोटा डाइनिंग टेबल है, वो हमने रेडी कर दिया है प्लेटिंग कर क्योंकि डाइनिंग पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए मैं अब निकल रही हूँ शॉप के लिए। और आंटी जी काम कर रहे हैं, मैं अब निकल रही हूँ शॉप के लिए, आंटी जी घर पर काम कर रहे हैं, लॉक कर देंगे। और ज्योति को भी अब खाना खाने भेजना है। सो ये सूरा भाई, सच जा रहे हो? उदयपुर जा रहे हैं। उदयपुर डेरी मिल्क खाऊंगी ना, खाली है? नहीं है, भरी हुई है। खाली है, मैं तो पता था आप मेरे साथ ऐसे ही करोगे। आ गए हैं और कुछ काम था वो किया है, और अभी ज्योति गई है खाना खाने के लिए, तो मैं थोड़ी देर यहीं पर बैठूंगी और उधर साइड का जो गेट है वो क्लोज कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पर बैठूंगी तो दोनों तरफ ध्यान नहीं रहता है, इसलिए थोड़ी देर यहाँ पर बैठती हूँ, कोई कस्टमर आता है तो अटेंड करूँगी और मेरा भी कुछ काम कर देती हूँ यूट्यूब पर। सैलून में कस्टमर को हैंडल कर रही थी और आगे अजमल से आज मीटिंग थी। कुछ नहीं, आपको थोड़ी बोल रही हूँ, अजमल से मीटिंग थी तो अजमल से मीटिंग के लिए लोग आए थे तो मीटिंग हुई। अभी चिकू वापस से बाहर ये वाटर स्प्रे कर रहे हैं क्योंकि इससे मुझे लगा कि आज शॉप में मिट्टी थोड़ी सी कम आ रही है, और अभी सैलून में काम चल रहा है, जो मेरा काम था वो मैं करके आ गई हूँ, बाकी ज्योति आगे संभाल रही है। और ये कुछ और नया आने का सोच रहा है, कुछ ना कुछ आता ही रहता है नया, जब नया आएगा तब बता देंगे हम आपको। ये यहाँ पर चिकू तो खेल अरे खेलना थोड़ी है, ढोली थोड़ी आ रही है। तुम तो खेल रहे हो, मैं तो डर गई कैसे? जो भी मेरे ऑर्डर ड्यू थे, जो मेरे ऊपर ऑर्डर आए हुए थे, अभी बिल बन गए सबके और सारे पैक भी कर दिए हैं। अब क्या पता इस प्रिंटर में मुझसे नहीं हो रहा है, शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो प्रिंट नहीं आ रही है। चिकू आएंगे, चिकू करेंगे, फिर उठ जाती हूँ, काफ़ी देर से बैठी हुई हूँ। आज शॉप जल्दी मंगल कर रहे हैं, अब क्यों मंगल कर रहे हैं घर जाके सीधा बताती हूँ मैं। अभी हम लोग जा रहे हैं कल्याणपुर तो इसलिए शॉप जल्दी मंगल कर दी, और जो भी पार्सल थे डिस्पैच करने के वो भी ले लिए साथ में, पर्स भी ले लिया है, चेंज कर दिया पर्स, तो बस अब चलते हैं। कार को चिकू रेडी कर रहे हैं, शायद आज रुकने का प्लान है इसलिए सारी चीज़ें साथ में लेके जा रहे हैं, लैपटॉप वगैरह सब बता दो ना, ये लैपटॉप और सारी एसेसरीज, और एक पार्सल और भी है कल्याणपुर ले जाने का, वो मैं लेके आती हूँ। मेरा मास्क भी नहीं पहना है तो बस ये अभी निकल गए हैं, गाड़ी में भी बैठ गए हम लोग, और एक पार्सल और लेना है तो वो जगभैया को बोला, वो लोग वो ले लेंगे।
वी आर अराइविंग ऑन कल्याणपुर, सो सब जने वेट कर रहे थे। कैसे हो? कैसे भैया? हाँ बेटा कैसे? बस ठीक, बस बढ़िया। दिखे नहीं आप को? हाँ, क्या दिखेंगे? तो अभी हम आ गए हैं मम्मी के घर पर और यहीं पर है, और थोड़ा बहुत जो भी है अभी जो घर का न्यू रेनोवेशन हुआ है उसी में थोड़ा बहुत है। पापा को हेल्प करने लगी थी काम में, और यहाँ पर चिगू काम कर रहे हैं, और ऊपर रूम में ही सारा सही करने गई थी, और अभी खाना वगैरह सब बन रहा है, अभी खाना वगैरह खाएंगे। इस अभी नए वाले घर में मम्मी पापा शिफ्ट नहीं हुए हैं, अभी तो सिर्फ हम बैठे हुए हैं, पर जब शिफ्ट होंगे तब आपको प्रॉपर होम टूर दिया जाएगा, पर अभी तो नहीं हुए हैं इसलिए। सो और थोड़ा सा सस्पेंस ही है क्योंकि मेरा ब्रदर भी व्लॉगिंग करता है, आप जानते हो सारे सब्सक्राइबर्स, और इसीलिए सारा थोड़ा सस्पेंस रखते हैं। हम अभी खाना खाने के लिए बैठे हैं चिकू और हम दोनों, और हम दोनों की फेवरेट बनी है दाल बाटी। हाँ, कैसा लग रहा है ससुराल आके? कैसा लगता है? कैसा लगता है मुझे, मेरे को पता है ससुराल में कैसा लगता है, रोज ससुराल ही रहती हूँ, इससे पूछ कैसा लगता है ससुराल में। ससुराल में थोड़ी तो तेरे पीर में। कैसा लगता है? नहीं, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, मजा आता है? मजा आता है सच्ची में ना। खाना अभी हम खाएंगे दाल बाटी, और दाल बाटी बना के गए हैं भाई जी, और मम्मी यहाँ पर हमको सर्व कर रही है, और बस ये सेटअप आपको कुछ समय के लिए ही देखने मिल रहा है, फिर तो ये सेटअप ऐसे चेंज हो जाएगा, ऐसे ऐसे चेंज होगा ऐसे, और ये सेटअप चेंज होगा, और हमारे घर में एक और मेहमान नया आएगा, मेरी मम्मी जब कुछ काम नहीं करेगी हुक्म चलाऊंगी मैं भली। फादर साहब आ गए। विकू, ए विकू, विकू इन द हाउस। डायरेक्ट मॉरिस, मॉरिन डायरेक्ट। तो डिनर कर लेते हैं बिना डिस्टर्बेंस से। ये बाटी, इसमें आएगी दाल और बहुत सारा घी, लबालब घी के साथ। ये मेरे बड़े पापा ये यहाँ पर तापनी कर रहे हैं यहाँ मिलके, मेरे पापा और दोनों जने। अब हम भी आग लगाइए बैठेंगे। वो बड़े पापा काम कर रहे हैं, वो भी बना के। हाँ, और मेरे एक बड़े पापा काम कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ठंड है कल्याणपुर में, तो इसलिए यहाँ की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। हमारे बड़े वाले बड़े पापा अब फ्री होके आ गए, अब आके ये बैठे हैं। ये सबसे बड़े भाई, ये सेकंड नंबर भाई, ये थर्ड नंबर भाई, वो सबसे बड़ी मम्मी, वो सेकंड मम्मी, हमें क्यों बैठा तो अच्छा लागी रहो, वो थर्ड मम्मी, तीन मम्मी तीन पापा, और ये बस बस मेरा मुंह बोला भाई। मुंह पे बोलता है, मुंह पे बोलता है, चटाचट बोलता है, चिपका के बोलता है। और ये देवता भी लग रही है। ये बड़े पापा नवरी फापरी कर रहे हैं, कब से काम कर रहे थे और अभी आके बैठे हैं। सबूत है ना, धीरे कोड़ियो कैमरे के सामने धीरे काटा है बिल्कुल। और आग भी कब हो गई है? बात करने वाली तो बात काफी है। तो हम सब बाहर बैठ के बातें कर रहे हैं। आपने यहाँ तक अगर ब्लॉग देख लिया हो और यहाँ तक देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से ब्लॉग में। ओके बाय, और पियर के मजे ले रहे हैं।